थार नगरी में गर्मी का दौर बदस्तूर जारी है। अप्रैल माह के शुरुआती दिनों में जहां सूर्य के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पारा भी 45 डिग्री के आसपास रह रहा है। रात में भी गर्मी का आलम यह रहता है कि तापमान 25 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। गर्मी के कारण दोपहर के समय लोगों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो जाता है। लोग दोपहर में गर्मी से बचाव को लेकर कई जतन करते नजर आते हैं। थार की फिजा इन दिनों बदली बदली नजर आ रही है। दिन में तेज लू और रात में गर्म हवाओं की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अभी अप्रैल माह के 10 दिन ही गुजरे हैं, लेकिन थार में मानो अंगारे बरस रहे हो। इस बीच थार नगरी भी दोपहर के समय तवे की मानिंद तपती हुई महसूस हो रही है। दरअसल इस बार होली के बाद से ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे और अप्रैल माह की शुरुआत से ही भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया। आज हालत यह हो गई है कि तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच गया है। भीषण गर्मी के इस दौर में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। अभी से यह हाल है तो फिर मई और जून की स्थितियों के बारे में सोचकर भी लोगों को डर लग रहा है। गर्मी भी अपने पूरे शबाब पर है और पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड इस बार तोड़ रही है। पिछले एक सप्ताह की बात करें तो दिन का औसत तापमान 44 डिग्री के करीब रहा, जबकि रात का पारा भी औसत 27 डिग्री के करीब रह गया। इस आलम ने लोगों को न दिन में चैन मिल पा रहा है और न ही रात में सुकून। हालात ये हो गई है कि दोपहर के समय शहर के बाजारों में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं। रविवार को बाड़मेर में अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस रहा तो न्यूनतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया। थार नगरी में अप्रैल माह की शुरुआती दिनों में गर्मी व लू अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। पारा जहाँ 44 को पार कर गया तो गर्मी व लू के थपेड़ों से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गर्मी के इन तीखे तेवरों के बाद अब धूल भरी आंधियों का दौर भी चल रहा है। तेज गर्मी व आंधियों से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भीषण गर्मी के बीच लोग इससे बचने के जतन करते दिखाई देते हैं। लोग छात, शीतल पेय आदि से दिन में गर्मी से निजात पाने का जत्न कर रहे हैं।